हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं देवांग प्रजापति उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का वीडियो नंबर 8 लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, कि जिसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेक्चर नंबर 8 है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था दोस्तों वो देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट द आयोनिक रेडियस क्या है, पॉजिटिव आयन पेरेंट एटम एंड द नेगेटिव आयन, उसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे दोस्तों आपको, कि किसकी साइज ज्यादा है किसकी साइज कम है। ठीक है, तो उसके लिए हमने पूरा जो एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली बात की हुई थी। अभी आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, उसके अंदर ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज एक्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। इन अदर वर्ड्स, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा। अभी देखो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम दोस्तों, कि सपोज हमारे पास एक एक्स नाम का गैसियस एलिमेंट है, इन विच स्टेट, इन गैसियस स्टेट। तो ये जो गैसियस एटम है वो एक्स प्लस वन में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो वो दौरान जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज एन डेल्टा एच आई विच इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एज एन डेल्टा एच आई वन, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वन और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दोस्तों वो उसका यूनिट जो रहेगा वो है किलोजूल पर मोल, याद रखना है। वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है
उसको हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो यू हैव वन एक्स प्लस आयन इन गैसियस स्टेट। ये एक्स प्लस आयन को और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है सपोज हमें, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा एच आई टू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये तब जाके एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सो वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन विच इज शोन इन दिस इक्वेशन। ओके, अभी यहां पे मैं आपको एक चीज बोल देना चाहूंगा दोस्तों कि जो डेल्टा एच आई टू है यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से तो ज्यादा होगी। ठीक है, सो डेल्टा एच आई टू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आई वन। ओके, तो देखो यही चीज, सपोज कि आपको और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है तो हमारे पास जो x प्लस टू है, ठीक है, एक ही मिनट, एक साथ में सभी चीज ले लेते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव कर डालता हूं मैं। सपोज यू हैव एक्स एलिमेंट, तो ये एक्स एलिमेंट एक्स प्लस वन, वन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच आई वन। ऐसे ही एक्स प्लस वन को उठाओ आप, यहां पे वो कन्वर्ट होगा एक्स प्लस टू में, वन मोर इलेक्ट्रॉन लॉस, ये हो जाएगा डेल्टा एच आई टू सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्स प्लस टू को उठाओ आप, जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा था आपको, वो कन्वर्ट होगा एक्स प्लस थ्री में, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच आई थ्री। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थ्री यानी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट वुड बी द हाईएस्ट, क्योंकि यहां पे जो प्लस टू में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है इट इज वेरी हार्ड एज कम्पेयर टू द एक्स प्लस वन एज कम्पेयर टू द एक्स। ठीक है, तो सबसे हार्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किस में से है, एक्स प्लस टू में से। सो यू विल बी हैविंग मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स प्लस टू। ठीक है, सो यू कैन से दैट डेल्टा एच आई थ्री इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आई टू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आई वन। क्लियर है दोस्तों? ओके, देन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड हेंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट, ये बात हो गई हमारी, बिकॉज रीजन क्या है, देखो इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। इन द सेम वे दैट द थर्ड आयोनाइजेशन, बात हो गई हमारी, मैंने आपको यही एक फॉर्मूला अभी दिया था, डेल्टा एच आई थ्री ग्रेटर देन डेल्टा एच आई टू ग्रेटर देन डेल्टा एच आई वन। ओके, इसमें आप समझ जाओगे। सो द टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सपोज कि मेंशन नहीं किया है कहीं पे, इफ आई एम राइटिंग ओनली दिस मच डेल्टा एच, तो आपको क्या समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? ओके, देन
अभी यहाँ पे देखो, आपके पास एक ग्राफ है, फर्स्ट आयनाइज एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द एटॉमिक नंबर अप टू 60 आर प्लॉटेड, ओके, कि जिसके अंदर आपको वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट आयनाइज एंथैल्पी आपको मिल रही है 1 to 60 एलिमेंट्स के बारे में। द पीरियडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज रिक्वायर्ड। अभी देखो ग्राफ जो है वो किसके वर्सेस किसका है वो बोल देता हूँ आपको। तो डेल्टा एच I1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर दैट इज सेट। सो ग्राफ में अगर आप देखोगे द पीरियडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। आप यहां पे देख सकते हो कि मैक्सिमा एट द नोबल गैसेस विच हैव द क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन सेल्स एंड वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे स्टेबल, तो वो आपको मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप पिक पे, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ओके, तो ये सब क्या है? नोबल, या फिर आप उसको इनर्ट भी बोल सकते हो, एंड दे आर हाईली स्टेबल। वो सब क्या है? स्टेबल। ये एक चीज माइंड में डाल देनी है। ओके, ऑन द अदर हैंड द मिनिमा अकर। अब जो मिनिमम देख रहे हो यहां पे, यू विल सी दैट द लिथियम लीना ने की रब से फरियाद। बोलो बोलो, लीना ने की रब से फरियाद। ओके, तो ये अल्कली मेटल्स है, ग्रुप नंबर 1। ओके, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ ने, ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 का है। ओके, जिसका आयनाइज एंथैल्पी सबसे कम, लोवेस्ट है। ओके, तो देखो रीजन क्या है कि मिनिमम क्यों है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ओके वो लो है, दैट कैन बी कोरिलेटेड विथ द हाई रिएक्टिविटी। ये सब कैसे है? रिएक्टिव एलिमेंट से। कैसे? रिएक्टिव है, क्लियर है? ओके, दैट्स व्हाई दे आर एट द बॉटम एंड दे आर स्टेबल, सो दे आर एट द टॉप। तो नोबल गैसेस एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटली फिल्ड, सो दे आर स्टेबल। बात हो गई हमारी। अभी देखो, इन एडिशन यू विल फाइंड नोटिस टू ट्रेंड्स। द फर्स्ट आयनाइज्ड एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो डेल्टा एच जो है 1 वो इंक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजेस एज वी डिसेंड इन द ग्रुप। जैसे पीरियड में जा रहे हो तो बढ़ता है, ठीक है, ग्रुप में जा रहे हो तो वो कम होगा। ओके, दिस ट्रेंड्स आर इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। आगे हम देखेंगे, ठीक है, दोनों फिगर में ग्रुप और पीरियड, पीरियड और ग्रुप दोनों के बारे में। ओके, देखो अभी यहां पे, सो यू हैव द टू ग्राफ्स। अगेन द ग्राफ आप देखो, तो ग्राफ में आपको डेल्टा एच 1 वर्सेस एटॉमिक नंबर जेड के वर्सेस ग्राफ है हमारा। ओके, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, यहां पे आप देख सकते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, तो सबके केस में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। ओके, सो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ठीक है, दैट इज द अल्कली मेटल्स,
वो सब लेना ने की रब से फरियाद यानी किसके है, अल्कली मेटल्स। तो दोस्तों अल्कली मेटल्स यानी हमारा ग्रुप नंबर वन, तो उसमें क्या हो रहा है, जेड इंक्रीजिंग, देन जो डेल्टा एच है इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये किसके हमने बात की, अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप में। तो ग्रुप में हम बोल सकते हैं कि भाई एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, आयोनाइज्ड एंथैल्पी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, एंड देन इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, लिथियम 520, बेरिलियम 899, बोरोन 801, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन 2080 तक। सो ये ग्राफ आप देखो, ओके, तो ये केस में फर्स्ट आयोनाइज्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, ओके, ये क्या है, सेकेंड पीरियड दिया गया आपको, सेकेंड पीरियड। तो सिंपली आप बोल सकते हो दोस्तों कि पीरियड में क्या हो रहा है, पीरियड में भाई जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जो डेल्टा एच है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड इन केस ऑफ पीरियड। ठीक है, वेर एज ग्रुप के अंदर बात करें हम तो डेल्टा एच जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जेड। ठीक है, ये हमें एमसीक्यू के लिए दोस्तों याद रखना है, जी नीट। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना है हमें। ग्राफ तो समझाने के लिए था, आउटकम ग्राफ का ये है। देन यू विल अप्रिसिएट दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टू थिंग्स, वन दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ओके, एंड दूसरी जो चीज है दैट इज द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन हो रहा है, ये दो चीजें हमें पता चलनी चाहिए। सो उसके लिए हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों थियरी के लिए, एनसीईआरटी थियरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो तो इसमें क्या है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवाइनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या है भाई, स्क्रीनिंग या शील्डिंग, देखो तो उसको मैं छोटे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे साइड में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले ये है न्यूक्लियस का सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसके अंदर हमारे पास है टू इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट जो है उसके अंदर है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ के, ये एल है, तो के के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, मोर एज कंपेयर टू दी
एल एल में कैसा होगा लेस। फिर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोस्तों, के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो के वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये एल वाले इलेक्ट्रॉन वाले को क्या करेंगे, इंटरबाइंड करेंगे, क्या करेंगे इंटरबाइंड यानी कि रिपल्सन करेंगे, ठीक है। यही तो क्या है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके तो देखो फिर से, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवाइनिंग कोर इलेक्ट्रॉन, इंटरवाइनिंग कोर इलेक्ट्रॉन यानी बिटवीन वाले, ये हो गया आपका। देखो के जो है, के वो है इंटरवाइनिंग, के जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए आपके इंटरवाइनिंग कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए आपके एल वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है दोस्तों शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों कि देखो भाई, द 2s इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर 1s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एज द रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वह एक्सपीरियंस करेगा नेट पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑन द प्लस 3। इन जनरल द शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल्स इन द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि अंदर की ऑर्बिट जो कोर इलेक्ट्रॉन है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। दिस सिचुएशन अकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल्स विच हैव द सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन प्रिसीडेड बाय द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, यानी ये केस में क्या है कि भाई नोबल गैस की तरह उनकी अंदर की ऑर्बिट तो कंप्लीटेड है पर ns के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी देखो व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरिन अक्रॉस द सेकेंड पीरियड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन एड ऑन होते रहते हैं द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, यानी ये केस में क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ नहीं रहा है तो अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस के थ्रू ज्यादा रहने वाला है। दस बॉटम लाइन अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउट वेथ विद द शील्डिंग, ओके, कंसिक्वेंटली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली एंड द आयनाइज एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। ये हो गया आपका रीजन क्यों बढ़ रहा है वो, ठीक है, एनसीईआरटी थियरी। ओके चलो एज वी गो डाउन, अभी देखो ग्रुप के अंदर बात आएगी, तो देखो ग्रुप में क्या हो रहा है, एज वी गो डाउन इन अ ग्रुप द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस के वो दूर जाता जाएगा, देर इज एन इंक्रीज इन शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर लेवल्स, इन दिस केस इंक्रीज इन द शील्डिंग आउट विथ विद इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज एंड द रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर, ठीक है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर क्या होने वाला है कि भाई डिक्रीज होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके अभी उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों। ओके तो यहां पे हमारे पास है बोरोन,
गुजराती में, पर दिक्कत नहीं है आपको, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ साथ में वो चीज़ लेते रहना है। देखो जेड इज इक्वल टू फाइव इन केस ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम जेड इज इक्वल टू फोर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजी रहेगा रिमूव करने का? तो देखो ये बोरॉन वाला, ठीक है। बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, यू विल रिक्वायर लेस एनर्जी, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p1 इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, केंद्र से वो दूर होने वाला है, ओके। इसका अपोजिट बेरिलियम के केस में देखो तो यू विल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, ओके। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s इज क्वाइट नियरर, ओके, एज कंपेयर टू द बोरॉन। बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, बेरिलियम के केस में नजदीक रहेगा, ओके। सो आप बोल सकते हो कि भाई जो सिंपली s p d एंड f, अगर आपको एफ में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इजी, इससे थोड़ा टफ डी में, डी से थोड़ा टफ पी में, और सबसे टफ एस में, क्योंकि वो सबसे नजदीक रहता है, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में घुस जानी चाहिए, ठीक है। चलो फिर नाइट्रोजन, और एक एग्जांपल है आपके पास ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। तो देखो नाइट्रोजन जेड इज इक्वल टू 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, वेरेज ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px1 2px2। ये देखिए भाई x में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो इजी कौन से में रहेगा? देखो यहाँ पे अभी हाफ फिल है, अभी हाफ फिल मोर स्टेबल, तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, तो एनर्जी आपको मोर चाहिए यहाँ पे, ओके। और ऑक्सीजन के केस में 2px2 में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो एनर्जी लेस चाहिए, ओके। सो ये एस कंपेयर टू द नाइट्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, मींस अनस्टेबल भी नहीं बोल सकते हो, पर ये केस में मीन्स एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज मोर अनस्टेबल, वो ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इजिली इसमें से आप रिमूव कर सकते हो 2px2 में से, ठीक है। देन वी हैव द वन प्रॉब्लम ऑफ 3.6, तो चलिए वो भी देखते हैं। सम है द फर्स्ट आयनाइज एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच आई वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज सोडियम मैग्नेशियम एंड सिलिकॉन, वो दिया गया 496, 737 एंड 786 किलो जूल पर मोल। प्रिडिक्शन करना है कि भाई किसका वैल्यू जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, वो किसके नजदीक होगा, विल बी मोर क्लोजर टू दी 575 और 760, ठीक है, और जस्टिफिकेशन उसका देना है हमें। तो देखो सॉल्यूशन में देखेंगे, इट विल बी मोर क्लोज टू दी 575 किलो जूल पर मोल। रीजन क्या है? देखो द एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नेशियम, मैग्नेशियम से तो कम होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज द इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय 3s इलेक्ट्रॉन, ओके, यानी कि 3s इलेक्ट्रॉन दे आर क्लोजर विद द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द 3p, 3p में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा 3s की कंपैरिजन में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आंसर जो आएगा वो 760 के नजदीक नहीं आएगा भाई, वो आएगा 575 के नजदीक आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ, रेगुलरली उसके अंदर एक एक MCQ पोस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो MCQ के आंसर देने का ट्राई करना है। उसके साथ में जो वीडियोस चलते हैं हमारे YouTube के, ठीक है, वो सभी की लिंक उसके अंदर सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजी जाती है, ठीक है, साथ में कुछ मटेरियल हो तो वो भी शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल देवांग सर केमिस्ट्री, ठीक है।
लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टिक करना है।